मोदी के खिलाफ उतर आए नायडू। नायडू ने किया सबसे बड़ा ऐलान। ऐलान से बीजेपी में मच जाएगा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या अब मोदी के राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अब मोदी की बैसाखी वाली सरकार दगमगा रही है? ये तमाम तरीके के सवाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक फैसले के बाद से उठ रहे हैं, जिसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि ये खुलेआम मोदी का विरोध कर रहे हैं। नायडू ने जो फैसला लिया है उससे बीजेपी में हड़कंप मच जाएगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, पीएम मोदी कई बार जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दे चुके हैं, जनसंख्या पर अंकुश लगाने की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपी के कई बीजेपी सांसद तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा चुके हैं। लेकिन अब मोदी के सहयोगी के सुर बदल गए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य की महिलाओं से जनसंख्या स्थिर करने के लिए कम से कम 2 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ मोदी जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं और उनकी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले नेता दूसरी तरफ अपने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बवाल तो मचेगा ही। चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या को लेकर क्या कहा? अमरावती में हाल ही में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने जनता से जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमारे पास 247 तक जनसंख्या लाभ है, लेकिन दक्षिण भारत में उम्र बढ़ने की समस्या के संकेत दिखाई देने लगे हैं। जापान, चीन और कई यूरोपीय देश जैसे कई देश इस मुद्दे से जूझ रहे हैं, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग है। बेहतर अवसरों की तलाश में युवा लोगों के देश के दूसरे हिस्से या विदेश में पलायन के कारण दक्षिणी राज्यों में ये चुनौती और भी बदतर हो गई है। आगे नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश और देश भर के कई गांव में केवल बुजुर्ग लोग ही बचे हैं, युवा पीढ़ी शहरों में चली गई है। नायडू ने आगे कहा कि दक्षिण राज्यों में प्रजनन दर पहले ही 1.6 तक गिर गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर प्रजनन दर में गिरावट जारी है तो हम 237 तक गंभीर वृद्धावस्था समस्या का सामना करेंगे, जो वांछनीय नहीं है। आगे नायडू ने अपील करते हुए कहा, मैं अधिक बच्चा पैदा करने का आह्वान न केवल आपके लिए कर रहा हूं, बल्कि राष्ट्र के लिए, व्यापक भलाई के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम तभी काम करेंगे जब हमारे बच्चे होंगे या जनसंख्या बढ़ेगी। यहाँ चंद्रबाबू नायडू ने भले ही आंध्र प्रदेश में घटती युवा आबादी को लेकर जनसंख्या बढ़ाने की बात कही है, लेकिन फिर भी इसको मोदी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा करके चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के खिलाफ उतर आए हैं, क्योंकि उधर मोदी जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और इधर नायडू उल्टा बोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पॉपुलेशन पॉलिसी। चंद्रबाबू नायडू इसके साथ एक पॉलिसी लेकर भी आए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा आबादी और जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार नया कानून लाने की योजना बना रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 2 या 2 अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। इसको लेकर नायडू ने कहा, सरकार केवल 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र बनाने के लिए कानून लाने की योजना बना रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पॉपुलेशन पॉलिसी से इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। मोदी से अलग राह पर चले नायडू को लेकर खूब बातें बन रही है। फिलहाल आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था। तब नायडू नीतीश ने मोदी का साथ दिया। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीटें थी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सीटें थी। ऐसे में ये दोनों ही नेताओं ने मोदी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में नायडू का मोदी से अलग रुख पर जाना कई सवाल उठा रहा है। नायडू के फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में ये नायडू का मोदी के खिलाफ उतरना था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।